Hi friends, how are you? Very good afternoon. So today is 14th Jan. दो बातें करनी है आप लोगों से. पहले एक बार देखते हैं क्या है न्यूज में, उसके बाद बात करेंगे. एक तो पेज 1 और 10 पे था फॉरेस्ट और ट्री कवर के बारे में. ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका हर एक पॉइंट अच्छी तरह नोट करिएगा. इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर प्रीलिम्स. एक तो जो 2019 में असेसमेंट हुई थी और जो अब असेसमेंट हुई है, उन्होंने कहा फॉरेस्ट और ट्री कवर जो है इंक्रीज हुआ है. ये इंपॉर्टेंट है. कितना हुआ है? 2261 स्क्वायर किलोमीटर. अब क्या होता है कि आप सोचेंगे कि आपको एग्जैक्ट फिगर याद रखनी है, ऐसा कुछ नहीं है. बट आपको याद होना चाहिए कि ये 2000 के आसपास है. हो सकता है वो आपको कोई ऑड फिगर दे दे, 20,000 स्क्वायर किलोमीटर लिख दें या आपको 200 स्क्वायर किलोमीटर लिख दें. ये अगर डिफरेंस देंगे तो बहुत बड़ा देंगे, एक्सट्रीम में देंगे, तो वो जरूर देखेगा. हमारा एक्चुअल में फॉरेस्ट कवर है कितना? 80.9 था. और वो हमारे टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का कितना है? 24.62. और हम कितना चाहते हैं याद रखिएगा? 33%. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. उसमें कहा है कि 17 स्टेट्स जो हमारी और यूटीज हैं, उनका एरिया जो टोटल एरिया उनका है, उसका फॉरेस्ट कवर जो है 33% है, मोर देन 33% है, विच इज़ वेरी गुड. यू कैन यूज दिस पॉइंट इन योर मेंस. और ये वैसे भी नोट्स बना के रखेगा, आपको हो सकता है प्रीलिम्स में भी घुमा फिरा के पूछे. एक पूछा जाता है फॉरेस्ट कवर लार्जेस्ट किसका है. ये क्या होता है कि चेंजेस होते रहते हैं, तो कई बार आदमी जो 2-3 साल से तैयारी कर रहा है वो एक रट्टा मार के रख लेता है कितना किसका है. वैसे तो एरिया वाइज तो हमेशा ही मध्य प्रदेश का ज़्यादा रहा है, तो मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश. ये आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ सकते हैं, तो याद रखिएगा. इसकी शुरू की 3-4 स्टेट्स तो ज़रूर याद रखनी है. मैकॉम करके याद रख सकते हो आप. मैकॉम में आ जाएगा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र. परसेंटेज वाइज भी याद रखिएगा. फ़र्क क्या होता है कि इनका तो टोटल लैंड कवर ज़्यादा है. परसेंटेज में क्या है कि अगर सपोज करिए किसी के पास 100 किलोमीटर की लैंड है, उसमें परसेंटेज वाइज किसका ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है, तो उसमें मिजोरम टॉप पे है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर एंड देन नागालैंड. देखिए ऊपर मिजोरम कहीं नहीं था और यहाँ मध्य प्रदेश कहीं नहीं है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा. टोटल मैंग्रोव एरिया जो है वो भी हमारा कंट्री में इंक्रीज हुआ है. कितना हुआ है? 17 स्क्वायर किलोमीटर. टोटल कितना हो गया है? 4992. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे इसको याद रखेगा. एक पेज 10 पे था जीनो ट्रांसप्लांटेशन के बारे में. बेसिकली क्या होता है, टू डिफरेंट स्पीशीज, मतलब अगर किसी इंसान में किसी जानवर की ट्रांसप्लांट करी जा रही है ऑर्गन, दैट इज कॉल्ड जीनो ट्रांसप्लांटेशन. अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदुस्तान में कभी ऐसा हुआ है, क्योंकि अभी आपने देखा हाल फिलहाल में यूएस में हुआ है, तो हाँ इंडिया में 1997 में परफॉर्म हुआ था, विच वॉज अ डिजास्टर. वो बेचारी मर गई थी. तो असम गवर्नमेंट ने उस टाइम एक इंक्वायरी कमेटी बनाई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि जो पिग हार्ट ट्रांसप्लांट्स हैं या हम कोई जानवर से कर रहे हैं तो ये अनएथिकल और अनलॉफुल है. ठीक है, इससे ज़्यादा आज कुछ नहीं था. अब दो बातें जो हैं, एक मेरे पास मेल आई थी कि सर आजकल आप कंटिन्यूसली नहीं आ रहे हैं तो आपने क्या बंद तो नहीं करेंगे? देखिए बंद का तो ये है कि जब तक हम, मैं मानता हूँ एक साल हो गया है, अभी भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं क्योंकि पब्लिसिटी नहीं हो रही है, ऐड नहीं हो रही है, नॉर्मल यूट्यूब पे हमारा चैनल नहीं दिखता है, लोगों को नहीं पता है, अवेयर नहीं है, तो हमें तो देखिए हम तो ये है कि जब तक एक आदमी भी इसको देख रहा है और उसको बेनिफिट हो रहा है, हम लोग तो कराते रहेंगे. ठीक है, हम पहले भी ऐसे कोई बेनिफिट्स के साथ सोच के नहीं आए थे कि हमें कोई मॉनेटरी एडवांटेज होगा, तो इसलिए हमारा तो अगर एक आदमी भी देख रहा है तब भी हम बनाते रहेंगे, जब तक एक आदमी देख रहा. हाँ, जब जिस दिन जीरो व्यूज़ हो गए उस दिन बंद कर देंगे, वो बात अलग है, बट जब तक एक सिंगल पर्सन भी देख रहा है हम लोग चालू रखेंगे. दूसरा पॉइंट, सबने एक लिख रहा है कमेंट्स में कि सर डेली आया करिए. कई बार क्या होता है, देखिए कई बार कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं नहीं आया जाता इसलिए, बट ये मत सोचिए कि हम डील कर रहे हैं या आपके साथ खेल रहे हैं या आपकी आपको हम सिंसियरिटी से नहीं कर रहे हैं. कई हम न्यूज़पेपर डेली कर रहे हैं, चाहे हमारी तबीयत कितनी भी ख़राब हो हम न्यूज़पेपर डेली कर रहे हैं. मैं तभी आपको वार्न कर रहा था कि ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलेगा. ये ओमिक्रॉन बहुत कंटेजियस है, बट ज़रूरी नहीं कि हार्मफुल हो, थोड़ा सा मगर जब आता है तो थोड़ी बहुत तो तबीयत ढीली होती है. बट हम लोग न्यूज़ पर रेगुलर पढ़ रहे हैं, बट ये हमेशा याद रखिएगा क्या होता है, ये मेंस का टाइम चल रहा है तो उस टाइम सबको पता होता है कि इस टाइम नोट्स वगैरह बनाने ये सब कुछ होता है, तो इस टाइम के पेपर्स में वैसे भी आपके क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, आते ही नहीं. अगर कुछ ऐसा ज़रूरी कुछ पॉइंट आ जाए तो बात अलग है. ठीक है, जैसे आज के मैं फॉरेस्ट कवर का था, तो इतना पैनिक मत कीजिए. हम लोगों को पता है कि क्या चीज़ आपके लिए ज़रूरी है क्या चीज़ नहीं. अगर हमने आपको प्रॉमिस किया है तो आपके साथ मजाक नहीं करेंगे, जो हमारा बेस्ट होगा वो आपको देते रहेंगे और कल बहुत जल्दी कंटिन्यूसली आने की कोशिश करेंगे. बट कभी किसी को फैमिली में हो रहा है, कभी किसी को हो रहा है, तो थोड़ा वो मेरे हाथ में नहीं था. बट डोंट वरी, न्यूज़पेपर मैं डेली कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए कि हाँ नोट्स में कमी नहीं आने देंगे आपके.
ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल.